चाय बोल। चाय चाय बोल। सॉरी सॉरी। मंगा लिख के दू। खाना कौन बनाएगा? पुलिस स्टेशन से चुप थी जा पहुंचू तो चुप रे। यहाँ का इंचार्ज कौन है? भाई इंचार्ज तो परलोक सिधार गया है। तुम दोनों बड़ो मल्टी कलर रेनबो कलर, तुम कौन हो रहे हो? बाबी हमें टुकड़ा कौन बना से? अरे यार तुम ना हमें पंबल पूसे में डाल रहे हो। तुम इसकी पाबी हो या ये तुम्हारी पाबी है? एक्चुअली मैं तो ना ये मैं ओ मोटा भाई हम में से कोई किसी की भाभी नहीं है। एक्चुअली मैं ना हेतल बेन इसकी भाभी है और ये मेरा भाई है चप्पू पटेल खा के। ओके तू क्यों है? मैडम मैं हूँ पप्पू पटेल रो रो के मारे से ने मुझे ना एक ऊंट वाले के खिलाफ FIR लिखवानी है। ये पति पत्नी और वो तो सुना था लेकिन ये पति पत्नी देवर और ऊंट वाला पहली बार सुन रहा हूँ। भाई एक बात बताओ, तुम्हारी बीवी कहीं ऊंट वाले के साथ भाग तो नहीं गई है? What? Oh. 80% यूज बैटरी। ना ऐसा भगोड़े केस में घना इंटरेस्ट आ रहा और वैसे तो सारा दिन अखबार में से जो है मुंह ना निकले थारा। सॉरी मम्मी जी। तू बोल। बाबी मारी बाबी। ऐसा है इसके मुंह से एक बार जो है मैंने और भाभी सुन लिया ना तो इसको ढोकला बना के कैदियों में बटवा दूंगी मैं इसने। ना ना इसका ढोकला बोकला बनाना नहीं है। वो क्या है ना मोटी बहन कि हम लोग है ना मेरी बीवी है ना हेतल बहन इसकी भाभी उसको रेगिस्तान में घूमने का ना बचपन से बहुत शौक था। तो उसने मुझे बोला चलो ने पप्पू भाई हम लोग रेगिस्तान घूमने जाते। मैंने कहा हाँ हेतल बहन चलो हम लोग रेगिस्तान घूमने जाते, इसलिए हम लोग घूमने के लिए यहाँ पर आए। यहाँ पर है ना हमने एक ऊँट 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 को किराए पे लिया। लेकिन जैसे ही हेतल ऊंट के ऊपर बैठी ना ऊंट भागने लगा। कई घंटों के बाद जब ऊंट वापस आया ना तो ऊंट तो आया पर मेरी बीवी नहीं है आई। ऐसा है जो कतई यहाँ किसी एनिमल की अगर FIR लिखवाने के चक्कर में आए हो दोनों भाई तो यहाँ से निकलो। एनिमल की तो FIR लिखी ना जाएगी ना। हमारे दादाजी जो है ना लंदन में कबूतरों ने दाना खिलावे और उनकी भाषा भी बोला करें, और हमारा डैडी ना वो तो कुत्तों ने ग्लूकोज बिस्किट खिलावे और उनकी भाषा भी बोला करें। और बेसिकली आई एम फ्रॉम जो है ना वेरी एनिमेटेड फैमिली, तो भाई एनिमल लवर होने के नाते मैं तो किसी एनिमल की FIR लिखूंगी ना। निकल लो यहाँ से। एनिमल्स मैडम मतलब आप जानवर प्रेमी है? Yes! मैं भी जानवर प्रेमी हूँ। रोज सुबह मेरी बीवी को नाश्ता मैं ही तो देता हूँ। मैं ना ऊंट के खिलाफ नहीं ऊंट वाले के खिलाफ FIR लिखवाने आया हूँ। क्या है ना आप उस ऊंट वाले को पकड़ के यहाँ पे लाइए, कम से कम 50 उसको डंडे मारिए और उसको पूछिए कि उसका ऊंट मेरी वाइफ को कहाँ रख के आया है। बुलवाओ ऊंट वाले ने। जय राजा। हिंदुस्तानी? ना मारा नाम राजा राजस्थानी से। मैं हाँ रेगिस्तान को सूरमो खाऊ हूँ दाल बाटी और चूरमो घी लगा के। घी भी कुछ ना लगावे तू, लोगों ने लगावे चूना। यो ऐसा और किस प्रकार के तने ये ऊंट पाल रखे जो लोगों की जो है ना बीबियों ने ले भगते किडनैप करके। मैडम साहब राजा राजस्थानी को रिकॉर्ड एकदम क्लियर से, मैं हाँ रेगिस्तान को सूरमो खाऊ हूँ दाल बाटी और चूरमो घी लगा के। मैडम साहब जो इंसान अपनी घराली के साथ मारे करने आया मारा ऊंट किराए में मांगे हो, मैं बोले ठीक से दे दूंगे और वो भी ऐसो ऊंट जो रेगिस्तान को चप्पो चप्पो जानते हो घी लगा के। ना तो ऐसे ही किसी चप्पे में छोड़ा आया थारा ऊंट इसकी बीबी ने। मैडम साहब आमा गलती अड़की है। मैडम साहब मैं जद अन्य यो बोलियो कि मारो रूठो थारी को और थारी घराली को पूरे रेगिस्तान घुमा को लाओगो घी लगा के बस 2500 रुपए लागोगे तो यो चिड़ गयो।
यो बोलियो थारो ऊंट को मुंह देखियो जो 2500 मांगियो। यो बोलियो मारो रूठो की शक्ल जो है गधे सी। जो बात मारे रूठो से बर्दाश्त को नहीं हुई मैडम साहब, तब तक अन की घराली जो है वो ऊंट की पीठ में जा बैठी थी। रूठो रूठ गयो और उन्हें ले भाग्यो मैडम साहब। भाई ऐसा है ना, गलती किसकी है और किसकी ना है इसका फैसला कल होगा। तो इब निकलो, कल आना सबके सब। ओके क्लियर? जय श्री कृष्णा मैडम। चल दीपला पटिया कबर टुकड़ा को ए हुकुम। हां हो हुकुम हुकुम हुकुम। ये सर क्यों बुलाया, जल्दी बताइए। बाहर जो है ना, एक घना इंपॉर्टेंट पेचीदा सा केस आ रखा ऊंट का। हाँ मैं जानता हूँ ना, उसी में बिजी हो रही हूँ मैं। वो ऊंट किसी की बीवी को रेगिस्तान में छोड़ा है ना? लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो बीवी मिल जाएगी। आप घना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। क्यों ना हो, आफ्टर ऑल आई एम एन एनिमल लवर। मैं जानवरों की बोली जानता हूँ, एंड खासकर ऊंट की भाषा जो है उसमें मैंने स्पेशलिस्ट की है। फर्ज करो ऊंट जो है वो कहना चाहता है आई लव यू, वो कैसे कहेगा? वो कहेगा अब फर्ज करो कि वो दोबारा कहना चाहता है आई लव यू, तो कैसे कहेगा? वो कहेगा अब हीलिया। फर्ज करो वो फिर से कहना चाहता है, एक मिनट सर, अब हीलिया हीया हीया। सर यो ऊंट जो है ना कुछ ज्यादा ही आई लव यू कह रहा। ओके भाई सर, इस केस में मैंने आपकी कोई जरूरत ना है, अगर तो By mistake, unfortunately, जरूरत पड़गी तो सर आई विल SMS you, okay? Please call me. I'm there. भाई ऐसा है, हमने अपनी खोजू टीम भेजी थी तुम्हारे रेगिस्तान में और वहां तो जो है मिली ना इसकी बीबी। नहीं तो तू अपने ऊंट से जो है पूछ ले किसी तरह की, कहां गए आया इसकी बीबी ने वो। मैडम साहब पूछ सको हूँ, रूठो बता भी देगो, लेकिन मैडम साहब इब रूठो रूठेड़ो है, उनका मूड सही होगो तो बता देगो घी लगा के। अबे ना इसकी जो बीवी है बैठ करेगी ऊंट के जो है फीलिंग चेंज होने का, निमर जाएगी वो तब तक। मैडम साहब मैं मजबूर से, मारा रूठो पर कोई जोर ना चाले घी लगा के। मैडम ऐसा है, थारा घी निकाल दूंगी मैं यही थाने में। ऐसी कोई तिगड़म लगा जिससे थारा ऊंट जो है ना ना तेने कोई हिंट दे कि इसकी बीवी ने कहां गिराया आया वो। मैडम साहब एक आइडिया है, अगर कोई लगातार घंटों रूठो के सामने नाचे तो उनका मूड सही हो जावे घी लगा के। हाँ तो नाचेंगे ना, ये पप्पू चप्पू नाचेंगे। नहीं रूठो को मनाने के लिए नाचोगे ना तुम लोग? हाँ यार तुम नाचोगे नहीं तो रूठो मानेगा कैसे? मानेगा नहीं तो कैसे बताएगा भी तेरी बीवी को कहाँ छोड़ के आया है? रोने धोने से कुछ नहीं होगा यार, रूठो को मनाने के लिए नाचने का हो जाता है यार। ओके बाय। अरे लेकिन पहले मन्ने यहाँ नाच के तो दिखाओ कि थारा लोगों नु नाचना आवे भी है कि कौन नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि थारा नाच देख के मारो रूठो और रूठ जाए घी लगा के। हाँ हाँ भाई, ओ पप्पू चप्पू ऐसा है यही नाच के जो है ना इसने थोड़ा दिखा लो, और फॉर मोटिवेशन मारा यो टेडी बेयर रूपी क्यूट हबलदार, यो बनेगा ऊंट तुम्हारे लिए। ओके हाँ भाई ऊंट जैसा फील कर, चल वेरी गुड वेरी गुड। चल ऊंट पहले ऊंट को जरा कुछ खिलाओ। घास कहाँ से ले? अच्छा नाचो। ओहो बापा मरी नाचा। बस बस भाई बस। तुम एक बार डिसाइड कर लो यार, पहले तुम कर रहे थे ऊंट ऊंट ऊंट, अब कर रहे हो बस बस बस। अब तुम्हारी बीवी ऊंट पर बैठी या बस में चढ़ी, तुम डिसाइड कर लो यार। मोटा भाई बॉस मतलब ये बस नहीं, अब आप बस कीजिए। वो रूठू ऊंट को मनाने के चक्कर में नाचते नाचते हमारा दम निकल गया, पर वो मानने को तैयार ही नहीं है। और वैसे भी अब 4 दिन हो गए मेरी बीवी को रेगिस्तान से गुम हुए हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी बीवी जिंदा भी होगी। भाई ऐसा है, जो तने खुद ही डिसाइड कर लिया है कि थारी बीवी निमट गई है,
तो यहाँ क्या कर रहा है तू? न जाके अपना सर मुंडवा या हम मुंड दे? अरे अरे मोटा बहन, तुम्हें तो नाराज थी गया। मैं तो बस इतना बताना चाहता हूँ कि मेरी बीवी हेतल बहन अब इस दुनिया में नहीं रही, तो आप इसका केस बंद कर दीजिए। एक मिनट मम्मी जी, मेरी मानो अब हमें ये केस बंद कर देना चाहिए। ओ बुझती मसाल, ढलकती पेंट। ऐसा है, तू समझाएगा मन्ने कि केस बंद करना है, खोलना है, क्या करनी है कार्रवाई? सॉरी मम्मी जी। नहीं, ये तो सचमुच में है बेचारा। मैडम प्लीज कर दीजिए ना इसका निपटारा। ओके बाय। भाई ऐसा है पप्पू कि केस जो है ना ऐसे ना बंद होते। अपने उस ऊंट वाले ने लेकर कल आ, नकल पेपर साइन कर, प्रॉपरली फॉर्मेलिटी पूरी कर, फिर होगा केस बंद। ठीक है भाभी, बस अब कमन कौन बनाएगा खा खा के? अरे ओ कहां से जो है पैदा करा है ये भुखमरा एकदम ही कतई। सुन तू लिटिल ब्रदर, ऐसा है तू शाम को आइयो थाने में, जो गुलगुले की बीबी हो रही है ना, ना वो घना अच्छा है, ढोकला वोकला सब बनावे है, तो खाइयो तू, निमट जाएगा वरना। ढोकला? हाँ हाँ हाँ, खा खा के। ओके चलो निकलो इब। ओके जय श्री कृष्ण, बाय। थैंक यू हेतल। मैडम मेरी बीबी इसके लिए ढोकला? बाल को ऐसा है जो मैं कह रही हूँ, अपना कान और दिमाग ना दोनों खोल के सुनो, क्योंकि जो मैं सोच रही हूँ अगर तो वो सत्य है तो केस सॉल्व हो गया समझो। क्या हुआ? नहीं, देखने में तो है पीड़ा, लेकिन देखो इसने मुझे सर आप छेड़ा। क्या तूने एक पुलिस वाली पर हाथ डाला? अब हर पुलिस वाला तुझ पर हाथ, लात, भूसा, मुक्का सब डालेगा। पुत्र तू 7 साल तो क्या, 17 साल तक जेल में छड़ेगा? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, खा खा कर बापी की कसम। भाई तैने कुछ करा है कि ना करा उसका फैसला तो हम करेंगे, मगर अगर तैने इस केस से बचना है, बचना है कि ना? हाँ। भाई तो जैसा हम कहें तू वैसा कर, मंजूर से? मंजूर है। बाबे के लिए। ओ, ओ भाई ढोकला ओकला खिलाओ छोरे ने, आओ भाई। आइए आइए बाबे। बस बस शांति रहिए, शांति रहिए। जय श्री कृष्ण। घड़ी खपा मैडम साहब। आ गए हैं भाई सबके सब। हाँ मैडम, मैं और ये ऊंट, ऊंट वाले भाई का साइन जल्दी से ले लो और इस केस को बंद कर दो। भाई केस बंद करने की इतनी जल्दी क्यों हो रही है? पहले खुशखबरी तो सुन ले तू। है? कैसी खुशखबरी? अरे हाँ भाई, खुशखबरी ये है कि तुम्हारी बीवी मिल गई है, जिंदा सही सलामत। क्या? आहो वो हमारे पास है, अभी मिलवाते हैं। जो कि भाभी जी को लेके आओ। जोकी? नहीं नहीं मैडम, ये मेरी बीवी नहीं है। अरे आशु बोलो छो। अरे हूँ तुम्हारी पत्नी हेतल बेन छू। चुप रे मैडम, ये ना कोई फरेब है, कोई ये नौटंकी है, ये मेरी बीवी नहीं है। भाभी, मारा भाभी, खमन थेपला ढोकला, मारा भाभी। हाँ देवर जी, हाँ अभी मैं आ गई हूँ ना, तो रोज रोज बना के खिलाऊंगी। हाँ ये चुप रहे, अब मेरे को क्या पागल समझा? मैडम मैडम मैडम, आपकी सौगंध हो, आपकी सौगंध, ये मेरी बीवी नहीं है। अरे भाभी सामने खड़ी है, आप पहचान नहीं रहे हो खा खा के? ओ ज्यादा आर्गुमेंटेटिव होने की जरूरत ना है, न वो छोरी कह रही हो थारी बीवी से। देवर अपनी भाभी ने पहचान रहा और तू कतई नाटक कर रहा, अपनी बीवी ने ले और निकल यहाँ से, थाना खाली कर हमारा। अरे मैडम कहाँ से निकलूं, ये मेरी बीवी है ही नहीं तो। अरे ऐसे कैसे ना है बीवी, के सबूत है बीवी ना आयो? अरे मैडम ये मेरी बीवी हो ही नहीं सकती क्योंकि वो जिंदा ही नहीं है। यो ही थारी बीवी से? वो जिंदा नहीं है मैडम। अरे थारी बीबी जिंदा से और सामने खड़ी से इन्फ्लेशन ब्लड। नहीं मैडम वो जिंदा नहीं हो सकती क्योंकि मैंने खुद अपने हाथों से रेत के ऊंचे पहाड़ों से उसे धक्का दे दिया था। चल जा।
भाई जब तू पहली बार आया था ना थाने में, तभी थारे पे इंक्वायरी बिठाई थी हमने, और तभी वो पता लगा था कि थारा जो है थारी सेक्रेटरी मिस लूसी के संग झोल से। फिर हमने जो है ढूंढ मचाई और थारी बीवी रेगिस्तान में घायल बेहोशी की हालत में पाई गई, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। गरीब तेने अपने मुंह से अपना जुर्म कबूल कराया। यो बाल को धर लो इस साले ने और इस ऊंट वाले ने भी। मन्ने क्यों घी लगा के? क्योंकि तुम दोनों काजल की कोठरी के कोयले हो, समझे? तेने इसकी प्लानिंग में इसका साथ दिया है पैसों के लिए। धर लो दोनों ने। अरे चल ओए, चल चल। हुकुम हुकुम हुकुम। लिटिल ब्रदर, ऐसा है घर जा, शाम को थारी भाभी वापस आ जाएगी, डॉक्टर का फोन आया है, वो उसमें आ गई है। ओके, अच्छे से खाना वाना खा, सेहत कमजोर हो रही थारी। मारी भाभी आवी जैसे ने खमन ढोकला थे अपना, शाम को मिलके हम साथ में खाएंगे। हाँ हाँ, चल चल, जय श्री कृष्ण। ओके, एक्सक्यूज मी, हेलो मैडम, प्लीज सर, आई एम इन मिडिल ऑफ सॉल्विंग केस सर। केस इज सॉल्व्ड, प्लीज कम। एक्सक्यूज मी, क्या बात है चंद्रमुखी, क्या केस सॉल्व किया आपने? मैं देख रहा था, वैसे उस रूटू ऊंट के पास मैं भी गया था, उसने भी मुझे वही बताया जो कुछ अभी अभी आपने कहा। धन्य वो हो जाएगा जिसे आए बनाएगी आप अपना। जिंदगी में पूरा ना होता दिन में देखा गया सपना, इसीलिए मैं रात को देखूंगा सपना। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।